उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन फंसता दिखाई दे रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर दोनों के बीच पेच फंस गया है। इस बीच जयंत चौधरी ने सम्मान से समझौता न करने की बात कहकर अखिलेश के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी अखिलेश यादव से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को महज 32 सीट देने के लिए राजी है। ऐसे में दोनों दलों के बीच बात बिगड़ती नजर आ रही है। अगर बात करें गठबंधन की तो आरएलडी ने 2002 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठजोड़ कर चुनावी मैदान में कदम रखा था। इस दौरान आरएलडी को 14 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2% वोट हासिल हुए। वहीं बात करें साल 2007 की, आरएलडी ने अकेले चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई। इस चुनाव में आरएलडी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि वोट प्रतिशत 2 से बढ़कर 4 पर पहुंच गया। वहीं साल 2012 के चुनाव में आरएलडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी थी। इस दौरान उसे 9 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि वोट 2% मिले। वहीं एक बार फिर 2017 में आरएलडी ने चुनाव लड़ा, जिसमें 1 सीट पर जीत हासिल की, जबकि 2% वोट मिले। विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि किसी और की तुलना में आरएलडी को बीजेपी के साथ गठबंधन में ज्यादा सीटें मिले, जबकि लोकसभा चुनाव में आरएलडी एसपी के साथ भी चुनाव लड़ चुकी है, बीजेपी के साथ भी। सीटों के मामले में वहां भी फायदा बीजेपी के साथ ज्यादा है। वैसे जयंत अपनी नजर कांग्रेस पर भी बनाए हैं। बता दें कि पिछले साल चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी के सामने अपनी पार्टी के खोते जनाधार को बचाने की चुनौती है। किसान आंदोलन ने जयंत को वो मौका भी दिया। जयंत पिछले एक साल से जिस तरह आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे, उससे भी उन्हें खूब सहानुभूति मिली। अब जयंत को लगने लगा कि पश्चिमी यूपी में जाट, सिख और मुस्लिम की लामबंदी के बदौलत आरएलडी फिर से अपनी खोई ताकत जुटा चुकी है, इसलिए जयंत अब इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। गठबंधन के लिए सीटों को लेकर मोलभाव कर रहे हैं।